There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how I feel. ये रात के ढाई बजे सर्फ तो लाओ सर्फ लाओ सर रात के ढाई बजे हम कपड़े धोने की कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं सो रहा है भाई, सोचा था मैं आके बाद सब सो जाएंगे, व्लॉग वहीं पे ख़त्म कर दिया था, लेकिन सीन ये हुआ कि घर आके हमें पता चला कि हमें कपड़े धोने चाहिए तो अभी जो है हम कपड़े धो रहे हैं, और जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक आपका भाई जाग रहा है, तो कपड़े जब तक धुलते हैं तब तक यार यही बात करनी थी कि देखें यहाँ पे जो सफाई सुथराई है ना, नो डाउट बहुत अच्छी है, पॉलिसीज़ अच्छी हैं यहाँ की काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं बनिस्बत पाकिस्तान के, तो यार ऐसा क्यों है? मैंने ये सोचा, मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है कि हम इतने पीछे रह गए और ये हमसे इतने आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, यहाँ पर एक जो लिविंग ऑफ लाइफ है, जो लाइफ असल में जी जाती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, ऐसा क्यों है? तो मुझे इसका एक रीज़न समझ आया, मैं किसी और को नहीं बोल रहा, ये रीज़न मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये रीज़न हमसे स्टार्ट हो रहा है यार, हम ही दो नंबर हैं, मतलब यहाँ के मैंने लोगों को देखा, यहाँ के जो अवाम है ज़्यादातर लोकल्स कम है, लोकल्स बहुत कम है यहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं ना लोग वो ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी भी जो है ना एक उनको डर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पूछने वाला है, हमसे सवाल जवाब होगा, शुरता हमसे पूछेंगे, हर चीज़ का हमें जवाब देना है, तो उनके दिल के अंदर एक डर है, उनके दिल के अंदर ये डर है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहा है, यहाँ एक गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के आपको नहीं मिलेगी, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहा है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो वहाँ पर जो है ना लगा के रखा हुआ है, बस दे मार साढ़े चार लगे रहो, तो यार ये फ़र्क है और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसी पाकिस्तानी जो है इतना इतना पैसा लेके दुबई शिफ्ट नहीं हो रहे, कोई तो वजह है। कल सुबह उठते हैं और कल के दिन फिर एक नया तरीके से सिटी टूर होगा। How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do, 'cause we've agreed between you and me we're nothing more. How silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am falling. ये लोग जो है अपनी चाय कॉफी जो है वो बना चुके हैं। मैं थोड़ा लेट उठा था क्योंकि कल जो है मैंने बहुत वॉक किए कल, मतलब मैंने इतनी वॉक की है कि मैंने शायद ज़िंदगी में अपनी इतनी वॉक नहीं की हो जितनी मैंने कल वॉक की है, तो इसलिए मैं ना नींद मुझे बहुत ज़बरदस्त करके आ रही थी, लेकिन अब सीन ये कि मैं उठ गया हूँ, ये लोग भी उठ गए और ये लोग मुझसे पहले के उठ गए थे, काफ़ी देर के उठे हुए ये, मैं थोड़ा लेट हो गया था। खैर अब उठ गया हूँ तो फटाफट चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं, फटाफट कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी बना के नाश्ता करके
In love. जी भाई, अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने दोबारा कपड़े चेंज कर लिए हैं, आपने देखा होगा। मैं गया था नीचे थोड़ी देर, थोड़ा घूम फिर कर आया, लेकिन कुछ इतना ख़ास था नहीं दिन में, यहाँ कुछ है नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ गर्मी की वजह से। तो अभी ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ूँगा मस्जिद में, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज करके फिर मैं आता हूँ। और जब तक ये लोग भी आ जाएंगे, ये लोग गए हुए हैं सब, अपनी मस्जिद गए हुए हैं ये लोग, तो वहाँ पे इनका कुछ इज्तिमा है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा जब तक, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह। जी भाई, नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के अब जाएंगे होटल के नीचे जिम है, तो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और फिर एक्सरसाइज करके इंशाल्लाह लोग आ जाएंगे जब तक, फिर चलेंगे सिटी टूर पे। जी भाई, इन लोगों का काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, बट ये लोग अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने अब ये प्लान बनाया कि एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अलावा नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है मगरिब की, तो अब मैं रेडी होता हूँ, और रेडी होके इंशाल्लाह मैं अकेला जा रहा हूँ सिटी टूर के लिए। ये लोग अगर जब तक आ गए तो मैं इनको साथ ले जाऊँगा, अगर ये लोग नहीं आए तो फिर मैं अकेले कल की तरह सिटी टूर करूँगा। तो ये लिया है भाई का आपके, अभी चेंज करते हैं और फिर चेंज करके इंशाल्लाह रेडी होके मिलते हैं। आपका भाई हो गया रेडी, रेडी होके, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। How stupid I would be to still have never stop believing that one day when time खर्चा वाला ये इसका क्या नाम तो बताया था आपने? अनियन, अनियन वड़ा, अनियन वड़ा, वड़ा 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 वड़ा। जी भाई, केरला के पकौड़ा खाया हमने, लंबा सा अजीब सा जो भी था, उतारना पड़ा अलग से। रस्ते में छुप गए हैं, मुझे पागल बना रहे हैं, ये रहे तीनों ये रहे। रेस्टोरेंट की तलाश में हम खाने की तलाश में घूमते हुए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा जहाँ हम खाना खा सकें। अभी हम आए गिफ्ट शॉप में, यहाँ सब चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं। रास्ते में चलते चलते थोड़ी भूख मंचिंग के लिए हमने ये लिया है अभी। आपने खाने के लिए तो ये
अभी खाएंगे, मुर्तजा भाई खोलेंगे, ये ले मुर्तजा भाई, तो अभी खाते खाते जाएंगे। कसम से जो है ना, एक चीज़ देख के इतना अजीब सा लगता है, मतलब आप अगर इधर चल रहे हो तो ज़ेबरा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी वाले खुदा के रुक जाते हैं तो आपको इज़्ज़त देने के लिए, तो हमें वो इज़्ज़त राज नहीं है, हम खड़े हो जाते हैं, वो रुके रहते हैं, बोलते हैं जाएं, तो मतलब कोई गाड़ी के अंदर आपको इतनी बैठ के इज़्ज़त देता है कि आप चले जाएं। हमारे यहाँ तो ज़ेबरा क्रॉसिंग ही नहीं है, और अगर हो तो रुकता कोई नहीं है, यहाँ तो बकायदा रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि भाई पहले आपके राइट्स हैं, आप जाएं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यार। मुर्तज़ा भाई को रेस्टोरेंट मिल चुका है, अब हम बेसमेंट से जा रहे हैं, सामने रेस्टोरेंट, खाने के लिए है खाना खाना खाना। सुबह से हमने सिर्फ वो जो कल रात का बचा हुआ पिज्ज़ा था वो खाया था, और अब हम जाएंगे मज़ीद खाना खाने के लिए। Time is right and stars align, our views would coincide, we'll see the world in color, though they say that love is blind. How stupid that would be, indeed that's true, and still I'm waiting for you, I am forever waiting for you. Please, I'd rather be the right here. ये भाई हैं हमारे वेटर, क्या नाम है आपका? ख़याम भाई हैं हमारे वेटर, काफ़ी अच्छा सर्विंग किया मैं, जब भी आए यहाँ पे तो इस रेस्टोरेंट में अच्छा रेस्टोरेंट, सर्विंग भी अच्छी है। अल इब्राहिम, अल इब्राहिम के नाम से रेस्टोरेंट है इसका मैं, तो काफ़ी अच्छी सर्विंग है और फूड भी बहुत अच्छा है इनका। तो यहाँ पे आप ज़रूर खाइएगा एक दफ़ा। तो अब जो है हम या इधर से चल लेना सिग्नल से, हम जो है खाना खाकर अब बाहर निकल चुके हैं और अब हमारी रवानगी है होटल की तरफ। तो अब प्रोग्राम ये है कि बस होटल जाएंगे और नीचे थोड़ी देर बैठेंगे और नीचे थोड़ी देर बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। हमें जाना है ये ज़ेबरा क्रॉसिंग से सामने, ये अभी दिख रहा है हमें रेड, जब ये ग्रीन हो जाएगा हम खुद ब खुद चल लेंगे यहाँ से। कितने अच्छे लोग हैं, कितने ही मोहब्बत से खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये हम ही हैं जो खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम दुबई आकर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। अपने मुल्क में पता नहीं हमें क्या मौत आ जाती है कि हम कूद कूद के जो है ना गाड़ियों के सामने जाते हैं। भाई अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले भाई मिले थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई काफ़ी अच्छी, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये बैटरी क्या सीन है इसका, जो है हम इसको ले जा सकते हैं, फोल्डेबल है नहीं है, तो उन्होंने पूरा जो है मुझे इसका बायोडाटा बताया, सिग्नल पे छोटी सी मुलाकात थी, तो उन्होंने बताया भाई फोल्डेबल है ये, आप इसको आराम से लेके ट्रैवल कर सकते हैं। मैक्सिमम बैटरी बोल रहा था इसकी 6 से 7 घंटे ईजिली चलती है, तो अगर 6 से 7 घंटे चलती है तो अच्छी चीज़ है, और दूसरा ये कहता कि 30-40 की स्पीड तक आप इसको जो है लिमिट तक आप चला सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, मुझे तो पसंद आई, कराची में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के रोड ऐसे नहीं है कि वहाँ चल सके, अगेन वही, तो अच्छी चीज़ थी यार, कह रहा है यूज़ के अंदर आपको मिल जाएगी वो 500 दरम की, और अगर आप न्यू ब्रांड लेंगे तो वो 1100 दरम की उसको पड़ी थी, 1100 दरम ब्रांड न्यू, तो बुरी नहीं है यार, अच्छी चीज़ है यार। आप ये देखें यार, ये देख के जो है ना दिल खुश होता है सीरियसली, इतनी सफाई सुथराई, इतना जो है अच्छा माहौल, साफ़ सुथरे रोड्स, फुटपाथ्स देखें बिल्कुल, और ये वही लोग हैं यार, हम पाकिस्तान से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, इंडिया वाले इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से आए हैं, फिलीपींस हैं, मतलब सब हैं, सब ने मिलकर ही साफ़ सुथरा किया हुआ है ना, पता नहीं हमें क्या होता है कि हम अपनी कंट्रीज़ को जो है वो साफ़ सुथरा नहीं रखते, अजीब है, समझ से बाहर है ये बात। ये यहाँ की है गंदी गली, ये भी कितनी साफ सुथरी है गंदी गली,
शॉप्स बनी हुई है। ये छोटा सा एक गार्डन है, पार्क मतलब एक्सरसाइज के लिए। शॉपिंग चल रही है, बहुत सारी थकन के बाद इतना चल कर आए हैं तो अब कुछ पीना बनता है। जो है हम आ चुके हैं रूम में, बहुत हालत ख़राब हो गई है, तबीयत काफ़ी डाउन हो रही है, बुखार बुखार सी फीलिंग्स हो रही है, दिल लवेशी जैसा हो रही है। अभी मैंने दवा खाई है, दवा खा के मैं बस सोने वाली कर रहा हूँ। अभी 4:15 हो रहे हैं, बाहर बैठे हुए थे रूम में जो है टीवी देख रहे थे, बट तबीयत बहुत ख़राब हो रही है यार। बस दुआ कर रहा हूँ कल हम बाय रोड जाएंगे यहाँ से अबू धाबी से दुबई, बस तबीयत जो है ना सही रहे, ख़राब हो गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आगे अभी और बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह।